नमस्ते, ये जो कि मैं आपका स्वागत है। आज मैं बनाई हूँ इडली और करी। ये इडली करी कैसे बनाती हूँ चलो देखते हैं। मैंने यहाँ उड़द दाल और चावल को भिगो के उसको पीस लिया था। अब हम इसमें नमक डालेंगे 2 चम्मच नमक, और उसके बाद 1 चम्मच शुगर डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ इडली का छाँच लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उस ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद तो जो बैटर मैंने तैयार किया है उसको छाछ में डाल देंगे। अब इस बैटर को 10 मिनट के लिए बेक कर देंगे। अब मैं इसको बेक कर दूंगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ 10 मिनट हो चुका है। ये देखिए हमारा इडली कितनी फूले फूले है, ये देख रही ये अच्छे से हुआ कि नहीं। अब हम उसे चेक करेंगे। मैंने एक यहाँ स्पून लिया है, स्पून के मदद से ये देखिए कितने अच्छे से वो हो गया है। अब हम उसको निकाल लेंगे। अब ये करी के लिए मैंने यहाँ मटर और आलू को उबल के रखा है। अब हम इसको उसका करी बनाएंगे। मैंने यहाँ की पैन लिया है, यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ कटे हुए प्याज रखा था, उसको डाल देंगे। प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं यहाँ मसाला लूँगी, अदरक और लहसुन का मसाला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और यहाँ थोड़ा नमक भी डालेंगे। मसाला अच्छे से हो जाए। अब मैंने यहाँ कटा हुआ टमाटर रखा था, यहाँ कटा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है। मसाला के लिए थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, मसाला नीचे से लग ना जाए। देखिए मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम जो मटर और आलू को बॉईल करके रखा था उसे डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से डाल दिए हैं। अब हम उसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा करी रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।